है रिलीज हो गया है। इस सॉन्ग को माहिर ने गाया है। बता दे कि सॉन्ग रिलीज होने से पहले एक इवेंट रखा गया था जिसमें सिंगर माहिर, गजल रिजवी, फिल्म वाले सोनी गजल रिजवी आदि शामिल हुए थे। मैं बॉलीवुड एक्टर रजाल रिजवी हूँ और पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। क्या कहना चाहेंगे, बवाल है सुनील जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आपको क्या लग रहा है कितना अच्छा सॉन्ग है और लोगों पे कितना छाया है? ये बेसिकली जमीन से जुड़ी हुई हकीकत को दर्शाता है ये गाना। महेश जी ने जो पेश किया है, जो उनकी प्रस्तुति है, उस प्रस्तुति से जागरूकता पैदा होगी लोगों में एक तरह का नया संदेश पेश करने की कोशिश की है माहिर जी ने। और माहिर जी बेसिकली थिएटर से हैं क्योंकि, तो थिएटर में वो सारी चीज़ें जो पीछे बैकग्राउंड्स में होती हैं वो एक इंसान को, एक कलाकार को बहुत ही पुख्तगी के साथ आगे बढ़ाने में कामयाब और अग्रसर रहती हैं। तो इसलिए माहिर साहब बहुत ही जुझारू और अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिसे हम कहना चाहेंगे कि कुछ सामान्य शब्दों में कि हमारे जो देशवासी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हमारी फ्रेटर्निटी है इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री, आप इनको प्रोत्साहित कीजिए और ये जो बवाल है सच में बवाल हो के पेश हो और आप लोग इसे मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही दुआएं हैं मेरी। और क्योंकि मैं खुद रिजवी ऑडिशन ग्रुप 40 ग्रुप्स मैं चलाता हूँ इंडस्ट्री में, मैं भी नए नए कलाकारों को हौसला अफजाई के लिए मैं फ्री ऑडिशन अपडेट्स डेली करता हूँ। तो इसलिए मेरी तो नए टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम अग्रसर है और पिछले 2011 फरवरी से मैं ये काम कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा और 1898 से मैं इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर काम करता हूँ। तो माहिर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप कुछ कहना चाहेंगे? सोनी जी, जब आपने सुना कि आपको एक सॉन्ग के लॉन्चिंग पे जाना और जो सॉन्ग का नाम है बवाल है, तो आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे माइंड में तो बहुत मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट सुन के और मैं दिल से बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ माहिर जी को और मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत लाइक करती हूँ कि वो दिल से इस काम को और आगे और अच्छा करें। डेफिनेटली हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू।